बात कर रहे थे कि वास्तुशास्त्र क्या है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वास्तुशास्त्र काम कैसे करता है। हर एक व्यक्ति के तीन शरीर होते हैं, एक फिजिकल बॉडी, जैसे कि मैं आप लोगों को दिख रहा हूं, बाहर से मोटा हूं, पतला हूं, जैसा भी हूं, ये फिजिकल बॉडी है। एक हमारी दूसरी बॉडी है एस्ट्रल बॉडी, जिसे हम कहते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर। फिजिकल बॉडी को हम कहते हैं हमारा सुथल शरीर। एक होता है हमारा आत्म तत्व, जो हमारे हार्ट के पास यहां पर कोर पर होता है आत्म तत्व। तीन तरह के शरीर हर व्यक्ति कैरी करता है और पांच तरह के कोश हर बंदा कैरी करता है। कोशास के ऊपर हम यहां डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा काम वास्तुशास्त्र के साथ है। हम यहां बॉडीज की आज बात करेंगे कि वास्तु काम कैसे करता है। किसी व्यक्ति के घर पर टेप लगा दी, घर पर टेप लगाइए भाई, वास्तु कैसे, हमारी बॉडी हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी, इम्पॉसिबल। समझ में तो आना चाहिए ना कि वास्तु काम कैसे कर रहा है, इसकी वर्किंग कैसे है। मैंने आज तक बहुत बार जोर डाला है कि वास्तु काम करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, वो छोटी डेफिनेशन है। असल में हर व्यक्ति के तीन शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, आत्म तत्व, उसको हम सोल बॉडी भी कह देते हैं। जो भी व्यक्ति ये कहते हैं ना, कोई व्यक्ति मर गया फिर भी मुझे दिखता है, उसकी आत्मा दिखती है, उसकी आत्मा नहीं होती। उसकी जो आत्मा है, उसका जो आत्मा है, जब एक व्यक्ति मर गया, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो आत्म तत्व तभी उस परमात्मा में जाकर विलीन हो जाता है। उसका सूक्ष्म शरीर यहीं पर होता है, उसका सुथल शरीर मर चुका है, उसका सुथल शरीर अभी जिंदा है, वो भटकता है। तभी तेरवी करते हैं, भोग डालते हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं ताकि उसके सुथल शरीर को मुक्ति मिल सके। हर एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेरेमनीज रखी गई हैं कि कैसे एक व्यक्ति की मुक्ति हो पाए। एक व्यक्ति की मुक्ति करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मुक्ति होती है हमारे सूक्ष्म शरीर की, फिजिकल बॉडी हमारा सुथल शरीर, एस्ट्रल बॉडी हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा आत्म तत्व। जब भी कभी हम पीड़ा में होते हैं, अभी आप अगर अपने यहाँ ऐसे ताली बजाएंगे तो आपके यहाँ पेन होगा, पर जब आप टेंशन में होगे आपके सर पर दर्द होगा। किसी ने मारा क्या सर पे? किसी ने नहीं मारा। वो दर्द किसको हो रहा है? वो दर्द हो रहा है आपके सूक्ष्म शरीर को, आपकी एस्ट्रल बॉडी को। आपको जब इंटरनल पेन होता है, और हमारा सूक्ष्म शरीर और सुथल शरीर आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में इंक्लाइंड है। हम जो खाना खाते हैं, पौष्टिकता लेते हैं, रनिंग करते हैं, भागते हैं वेट कम करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, वो सारी दिन सब कुछ हम अपने सुथल शरीर के लिए कर रहे हैं, हम अपनी फिजिकल बॉडी के लिए कर रहे हैं। पर हमारी एस्ट्रल बॉडी का क्या? उसका हमने ध्यान ही नहीं रखा। एक्चुअल वर्किंग जिंदगी की हमारी चल रही है हमारी एस्ट्रल बॉडी में। वही हमारा एकमात्र शरीर है जो सब जगह पर आपकी वर्किंग करवा रहा है। सुना होगा आप सबने, कोई व्यक्ति टूना टपाट करता है तो किसी व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट होता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट उसके सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है, डायरेक्ट इफेक्ट। कभी ऐसा नहीं होता कि उसके सुथल शरीर यानी कि उसकी फिजिकल बॉडी के ऊपर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अटैक कर रहा है। वो अटैक के लिए तो हमारे यहां पर कई सारी धाराएं बनी हुई हैं, कई सारी लीगैलिटीज हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर का क्या? असल में हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसको प्योरीफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। हम लोग प्रोटेक्शन स्प्रे की बात करते हैं, प्रोटेक्शन स्प्रे ऐसे ऐसे करके लगा लीजिए, आपकी सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज एक सेकंड में क्लियर हो जाती है। कहाँ वर्क कर रहा है वो? वो वर्क कर रहा है आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर, आपकी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर। वास्तु कब और कैसे किस व्यक्ति के ऊपर काम करता है? वास्तु काम करता है डायरेक्टली आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर, आपकी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर। जब भी आप किसी व्यक्ति के घर में जाते हो, जब भी आप उसका कोई इलाज करते हो, तो उसके सुथल शरीर के ऊपर इंस्टेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाती हैं। मर्म स्थान हम सब लोगों ने पढ़े हैं, मर्म स्थान। किसी व्यक्ति ने दीवार में कील गाड़ दी, उसका भेजा उड़ गया, उसकी बाजू में चोट लगी, उसकी टांग में चोट लगी, व्हाट इज दिस? उसके सूक्ष्म शरीर पर हम लोगों ने चोट पहुंचा दी, गलती से हम लोगों ने चोट पहुंचा दी। तो ये वास्तुशास्त्र वास्तव में क्या है?
वास्तुशास्त्र वर्क करता है हमारी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर। जितने भी मंत्रास हैं क्यों बनाए गए, एंशियंट मंत्रास जो हमारे लिए इतने ज्यादा पावरफुल हैं, गायत्री मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल मंत्र क्यों बनाए गए, ताकि आप अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत कर सको, जो आज की हमारी जनरेशन भूल चुकी है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। गायत्री मंत्र इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। जब आप इसका एक मंत्र करते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर रिलैक्स हो जाता है, आपकी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आज से अपनी फिजिकल बॉडी का तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखना है अपनी एस्ट्रल बॉडी का। आज से आपको पता है कि वास्तु काम कैसे कर रहा है। किसी के यहां पर कुछ रख दिया, जी हमने तो यहां कुबेर जी रख दिए, कहां काम कर रहे हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर को पता लग गया कि अब इसने यहां पर कुबेर जी रखे हैं, इसको अब धन की और ज्यादा जरूरत है, इसको धन प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुबेर जी, इसको धन वृद्धि दे रहे हैं कुबेर जी। लेकिन क्या वास्तव में आपने अपने सूक्ष्म शरीर को सुधारा? मैं हर बार अपनी क्लासेस में एक चीज जरूर कहता हूं कि कभी भी किसी व्यक्ति का जब हम वास्तु करने के लिए जाते हैं, अगर वहां पर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करते हैं, फिर वास्तु करते हैं, नहीं तो उस बंदे का वास्तु नहीं होता। आप वास्तु कर ही नहीं सकते, उसको कभी को पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, उल्टा हो जाएगा शायद उसके साथ, क्योंकि हमें सबसे पहले उसके सूक्ष्म शरीर को प्योरीफाई करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के साथ साथ आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, आज एक और चीज का प्रण कर लीजिए। इधर उधर अलग 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 चीजों को करना छोड़ दीजिए। एक शरीर है, एक जिंदगी मिली है, कोई एक मंत्र पकड़ लो अपनी जिंदगी में, कोई एक मंत्र। जो कहते हैं ना कि बाबा जी के फॉलोअर्स हैं, जी बाबा जी ने हमें एक मंत्र दे दिया, उस मंत्र को फॉलो करते हैं और उनकी नैया पार लगती है। इसमें सच में कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने भी आज तक किसी भी प्रीचर को फॉलो किया है, उन्होंने अगर वो मंत्र दिया है, वो उस मंत्र का कंटिन्यूस जाप करते हैं। एक व्यक्ति की बॉडी में एक मंत्र का असर होने के लिए लगभग उसको 3 से 4 लाख बार उस मंत्र का जाप करना पड़ता है। अब हर रोज 100 बार, 200 बार, 300 बार भी एक मंत्र का जाप करोगे, तब भी 4, 5, 6 साल बाद जाकर आपकी बॉडी अलाइन होनी शुरू होगी और वो मंत्र आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। और एक चीज आज मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि एक मंत्र को जब आप जपना शुरू कर दो, एक मंत्र कोई भी, सपोज करिए आपने एक मंत्र जपना शुरू कर दिया, सुबह आप कह रहे हो जी ओम साई नमो नमः, दोपहर को आप कह रहे हो जी ओम हनुमते नमः, शाम को आप कह रहे हो ओम नमः शिवाय, आपकी अलग अलग एस्ट्रल बॉडीज उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर गई। अब देख लो कि कितनी एस्ट्रल बॉडीज के ऊपर आपने वर्किंग करनी है और कितनी को आपने सही करना है। एक एस्ट्रल बॉडी को एक मंत्र का जाप दो और उसको इतना मजबूत कर दो कि फिर कहीं पर भी खड़े हो जाओ, कहीं पर भी दुनिया आपको सलाम करेगी करेगी। कोई मायका लाल नहीं है कि आपको दुनिया में नीचे झुका सके या नीचे दबा सके। आई कैन प्रोमिस यू दैट। और वास्तुशास्त्र इतनी शानदार विद्या है जो डायरेक्टली हमारी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर वर्क करती है। जब हमारी एस्ट्रल बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी, फिर भले किसी की बिल्डिंग में जाकर खड़े भी हो जाओगे, उसकी सारी एनर्जीज सही तरीके से, सुनिश्चित तरीके से सही हो जाएंगे। दिस इज वास्तुशास्त्र एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स।